लाड प्यार ते मोहब्बत दा ए सफर जिहदा ठिकाणा अज दूजी वारी ए शहर दुल्ले आला है। दुल्ले आला लगभग 70,000 दी आबादी दा एक शहर है जिहदा नां अमीर अब्दुल्ला खान बलोच दे नां तों वजदा है ते सियासी दुनियादारी दे हिसाब नाल होर वी इहदे कई तारफ होणगे, पर साडे ते कोड़े नाल इश्क करन वालियां नाल इस शहर दा पहला ते आखरी तारफ उस्ताद जीवन हयात चम्मट होरां दी मनमोहणी शख्सियत है। 1969 दे नवंबर दी 2 तारीख नूं हाजी बहादुर दे घर पैदा होण वाले जीवन हयात चम्मट जिन्हां दे नामवर शागिर्द बंदे ते कोड़े दो महीने इस नामवरी विच सिखण वालियां दी अपनी लियाकत दे बराबर उस्ताद होरां शराकतदार ने। बंदियां नूं पढ़ाना काफ़ी सालों तो रोक के अजकल कोड़ियां दी तरबियत ते दिन रात एक पे करदे ने। थल हॉर्स ट्रेनिंग अकैडमी दे नां तों स्कूल खोलिया है ते दुल्ले आला शहर दे बार बार एक वक्री जी रौनक लाई है। रात लेट पहुंचे ते उस्ताद होरां दा लंगर राह विचों करके आण दा शिकवा सुनिया। खैर लाड ते शिकवे दोवें इक्को थावे हुंदे ने। सवखते फजर पढ़ के असी अपने काम लग गए ते उस्ताद होरां ते उन्हां दी टीम अपने काम। टाइमिंग की सीधी होनी चाहिए, तुसां सीधा अपना रख के वञो कि तू असां वेंदे पिया ओ फलां सारा टारगेट, उस तू खब्बे सजे ना होवे, घोड़ा बिल्कुल सीधा होवे, पोला होवे, नरम होवे घोड़ा, ते खुला टुरो, कदम खुला रखो, घोड़ा ही खुला नाल होवे, बिल्कुल सीधा टोरो, ते प्यार नाल घोड़ा सौड़ा ना थीवे, कट्ठा ना थीवे, तलखी ना देओ इसनू, ज्यादा पिछु सेक न दो, प्यार प्यार नाल जी बच्चे ना आदमी सिखाते इन यार सिखाओ, बच्चा समझ के सिखाओ, जानवर ना समझो, घोड़े नहीं है समझो, इंसान उसे कह दे करो। पर वो मोहब्बत ही की जेड़ी कीमती शह नु सन ना लावे। सांजरे सवेरे उस्ताद जीवन हयात चम्मट होरां दी कहानी सुनी उन्हां दी अपनी जुबानी। मेरा नाम जीवन हयात जी, कास्ट सारी जेड़ी कौम है झम्मट है जी। 27 साल टीचिंग की थी जी, सरकारी स्कूल स्कूल टीचर रहे हैं जी। 2016 दे विच रिटायरमेंट की थी जी। घोड़ों का बचपन तो शौक है जी, कुछ थे हैं तो घोड़े घोड़ियाँ देखने लगे हैं जी, क्योंकि उस वक्त दे विच आज तू 40 साल पहले ये वक्त की जरूरत भी है जी, सफरी जरूरियात वास्ते इस्तेमाल थींदे हैं। बाद मैनू एक बेहतरीन प्लेटफार्म मिला जी, बाले शरीफ दे पीर इन साडे सैयद जी, सैयद मुश्ताक हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया तो तशरीफ गिन गए जी, पिछले साल उन्होंने वफात हुई है जी। उन्होंने कोल एज ए पलोता समझो जी, उत्थे मैं जिंदगी गुजारी, तालीम ही उत्थे मुकम्मल की, घोड़ों की नेज़ाबाजी की शौक ही उत्थों लगा जी। काफ़ी अरसा 20-22 साल नेज़ाबाजी करन तो बाद दिल की ख्वाहिश है कि घोड़े नू डांस भी करावना चाहिए, ये देखना चाहिए कि डांस किन्यार करी ने। उस प्यास वास्ते जी बड़ी कोशिश की थी, लेकिन कितना ही मुतमैन न थी उसे जी। आखिर ते वन के उस्ताद मोहतरम जी वह भी इस दुनिया तो वफात पा गए जी, किबला बदरुद्दीन साहब बीकनेर जी, जिथू डोरी की इब्तदा थी है जी। उन्हां नाल मिलन का मौका मिला, उन्हां शफकत फरमाई, उन्हां दे अगे शकर न्याज की जी, तो उन्हां ये डांस सिखाया जी। तकरीबन इस 2004 दे विच मैं उन्हां दे अगे शकर की जी। रिटायरमेंट अजे 13 साल सर्विस पई है जी, रिटायरमेंट सिर्फ इस वास्ते की है कि चलो इतनी मेहनत की इस शौक नूं टाइम रहना चाहिए जी। सर सब तो पहले अल्लाह पाक ने जेले इरादा फरमाया ना घोड़े नूं पैदा करन दा जी, पाक परवरदिगार ने रीहुल जनूब लम्मे की हवा नूं जनूब की हवा नूं हुक्म दिता कि मैं तेरे विच एक जानदार पैदा करना चाहना। तो हवा ने अर्ज किया कि पाक परवरदिगार कैसा हो सी, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे दोस्त आस्ते बायस इफ्तखार हो मुसरत हो सी, और मेरे दुश्मन वास्ते खौफ दी अलामत हो सी। अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्रील अलैह सलाम नू हुक्म दिता, उन्हें हवा दे विचों एक मुठ भरी ते छुड़ियों ने उस घोड़ा पैदा होया जी। सब तो पहले जिहड़ा घोड़ा पैदा होया ना जिस कायनात विच उसका नाँ ही रीह है जी। जियां साडे इब्तदा हज़रत आदम तो थी है ना जी, घोड़ों की इब्तदा जिहड़ा सब तो पहला घोड़ा अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया उसका नाँ रीह है जी। जेल्ले घोड़ा पैदा होया ना जी तो खुशी तो
हिन हिनाया जी हिनका असा सरायकी चाहते हैं जी। अल्लाह पाक ने बड़ा पसंद फरमाया और उस अर्ज़ की थी कि पाक परवरदिगार मैंने इजाजत दी थी उन्हें कि मैं दिहाड़ दी दो दफ़ा मैं दुआ मांग संगा और मेरी दुआ नू शर्फ कबूलियत ही फरमाया उन्हें। अल्लाह पाक ने इजाजत फरमाई तो घोड़े ने दुआ केड़ी मंगी कि पाक परवरदिगार मेरे मालिक दी नज़रों के जितना उसका माल है सारा तू मैं अजीज बना दे जी। तो अल्लाह पाक ने वो कबूल फरमाए जी। घोड़े दे कोल दो टाइम फरिश्ता आंदा है जी सुबह और शाम जड़ा आन के सिर्फ उसका हाल पूछते जी। और कदा तुसा शायद तजर्बा किया हो कि सुबह उठते हैं ना तो घोड़े दियाँ जादा लपेटियाँ खलोती होंदियाँ बड़े इन पक्के जे वलाके होंगे हालांकि घोड़े की जात की गंढ बड़ी औखी आती लेकिन इतने पक्के वलाके होंगे कि बड़ी मुश्किल नाल खुलते हैं जी। तो वो जिन्नात या फरिश्ते यानी इस दे कोल आंदे ने खेदे ने इस नाल जी। अल्लाह पाक ने 29 सिपारे दे विच इस दियां कसमां खाईयां जी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने इस दे उस वेले दी कसम है जेले पत्थर ते पैर मार के चिंगारी कर दें जी। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि उस वेले दी कसम है जेले दुश्मन दियां सफां चीर के वापस आंदे ते हांप दें जी। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जेले दौड़ दें ते इन्हां दे सुंभां दी धूड़ उभरदी है मैंने उसकी कसम है जी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा घोड़ा जिहाद की नीयत नाल नेक नीयत नाल पलींदा है वो इन्हें समझे चाहे जिहड़ा उसते खर्च करींदा है वो सदका रींदा पे जी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा घोड़ा पलींदा है उसका मैं हामी और नासिर हां। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा जिहाद की नीयत नाल नेक नीयत नाल घोड़ा पलींदा है बेशक उसकी जिंदगी वो लम्हा ना आवे जिहड़ी वो खुराक इस्तेमाल करींदा है चारा उसका पानी उसकी लीद पेशाब वो सब का वजन किए हुए से और बरोज़े माशर उसके बराबर इंसान खिदमत करने वाले के गुनाह माफ़ किए हुए से। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ गिंदा है घोड़े के कोल सरकार ने ये मथे वाले वाल यानी अयाल इस आदे हैं जी ये हटाए सरकार ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने क्यामत तक के लिए इनके माथे में खैर बरकत रख दी है। फिर सरकार साइड पर आए आपने इस दे जिहड़े अयाल इजाज़ आदे जी समझो इस दे विच आपने सरकार ने उंगलियां फेरियां सरकार ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने क्यामत तक के लिए इनके साथ रिस्क बांध दिया है। घोड़ा भाईजान बाद से बरकत है घोड़ा सारी अजमत है रफ्तार की निशानी है जी। इस तरह इस्लामी फतूहात घोड़े का बड़ा रोल है जी। अंग्रेज़ों के कोल या गैर जिहड़े मुस्लिम हैं उन्होंने कोल हाथी होंदे हैं जी हाथी से जंग लड़ते हैं मुसलमान घोड़ा से जंग लड़ते हैं जी। घोड़े चूंकि तेज़ होंदे हैं वार करके निकल पैदे हैं जी। अंग्रेज़ा सोचा भी इन्हों का कोई तोड़ कढ़ूँ हल कढ़ूँ जी। उन्हें ग्राउंड के एक कंडा तैयार किया जिहड़े त्रै कोने हैं जी वो उन्हें बना के ना लोहे के ग्राउंड फैला दिते जी। घोड़े आए जिहड़ा घोड़ा आवे पैर रखे तले कंडा लगे घोड़ा लंगड़ा थी वे जी मुसलमान उसका त्रोड़ कढ़ा जी ये जी नाल असल लेंदे हैं घोड़े लोहे वाली जी नाल अरबी का लफ्ज़ है जी नाल जूते ना दें जी मुसलमान उन्हें कंडा के त्रोड़ वास्ते ये नाल लावनी शुरू की जी अज हूँ असं घोड़े के सुम च लेंदे हैं। बाकी जी नेज़ाबाजी की इब्तदा है जी नेज़ाबाजी की इब्तदा उसी दौरान हुई है जी कि हाथी का चमड़ा चूंकि सख्त होंगे सख्त जिसम होंगे आम जगह से उस उत्ते ये वार करेंगे ना मुसलमान जी नेज़े का तलवार का उस को खास असर नहीं थी जी। उसकी नरम तरीन जगह और कमजोरी ही ने जी उसके सुम के दरम्यान वाली जगह ना जी ये नरम तरीन जगह इतने अगर उसको कांटे ही चुभ बन जाए ना जी तो हाथी बिदक पैदे हैं जी दौड़ पैदे हैं। तो मुसलमानों ने प्रैक्टिस की सिर्फ वो निशाना गिनन वास्ते कि दौड़द घोड़े ते आवना उसके सुंब का निशाना गिनना हाथी बेकार हो जाना जी। उस तो यह नज़रबाजी की उन्हें बुनियाद रखी जी कि किला ला के या कोई निशान ला के घोड़े ने दौड़ावना तो उसकी निशानाबाजी करनी जी। बाकी अज के दौर सर मकसूद है घोड़ा रखना जी। घोड़ा एक ऐसा जानवर है कि फारसी का माकूल है सग बस्ता अस परफ्ता कुत्ता बद्धा होया घोड़ा टुरा फिरा होया अगर कुत्ता खुल गया तो वह भी जायज़ थी गया जी घोड़ा बच गया तो वह भी जायज़ थी गया जी। इसनों वार माप रखने का तरीका है जी चाहे नेज़ाबाजी है चाहे डांस है चाहे टोरा है जी। तो जिहड़ी बुनियादी एक चीज़ है वो है घोड़ा रखना घोड़ा का शौक करना घोड़े नाल प्यार करना जी। ये बड़ा बायस से बरकत जानवर है बड़ा मुकद्दर वाला जानवर है जी ये रोजी का जरिया जी। लोग तो आते ना घोड़े भुखा नहीं करेंगे जी घोड़े तो रिज़्क का जरिया जी अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाते जी। और जिस जगह पर घोड़ा होंगे उत्थे सुकून होंगे ने जी अल्लाह पाक की रहमत होंगी है जी। तो असं तो इसनों
जनून की हद तक इस नाल इश्क कीता है, शौक कीता है जी, और पाया भी बहुत कुछ है। इन्हां दी खिदमत विच अल्लाह पाक ने बहुत कुछ अता कीता है जी। उस्ताद जी थोड़ा जिहा इस गल ते रोशनी दिओ कि लोग बड़े कीमती कीमती घोड़े लोगों दे कोल ने जी। सर घोड़े दी सेहत वास्ते घोड़ा क्रॉस करावना सर क्रॉस करावना बहुत जरूरी है जी। एक तो उसकी सेहत वास्ते जरूरी है जी। ये कुदरत का निज़ाम है जी। ये जारी सारी रहे तो ये सेहतमंद रहते हैं। अगर ये घोड़े रोक लिता वे ना जी, घोड़े ऐब कटन लग पे जी, मसायल पैदा कर पे, उनके मिजाज की तब्दीली आ जाती है, गुस्सा आ पैदा जी। एक तो ये चीज़ जी कि फितरी तौर पर इसमें मिलावना चाहिए जी, क्रॉस करावना चाहिए। दूसरी गुजारिश ये जी कि घोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 इस तो ज़्यादा इसकी एज नहीं जी, 10-15 साल ही तक सकता जी। लेकिन जेड़ा अच्छा घोड़ा क्रॉस थींदा है ना जी, उसकी ब्रीड थींदी है जी, तक ये शौक क्रॉसी उतने तई उसका ना कायम रहना है, घोड़े का ही ना कायम रहना जी, मालिक का ना ही जिंदा रहना जी। साढ़े कोल बहुत मशहूर एक ब्लड लाइन चलती पी है, बराल ब्लड लाइन जी। बेसिकली पिछू खरलां दे घोड़े ने, उन्होंने घोड़ों चु ये ब्रीड है जी। बहादुर बराल असा डिठा भी नहीं, काफ़ी दोस्तों नहीं डिठा, कोई बुजुर्गों डिठा उसी जी, लेकिन अज तक उन्होंने ना चलता पे जी कि बराल आला ब्लड है जी, बहादुर बराल आला जी। बाकी ये सारे कोल एक इतने रब नवाज रहा नांगा जी, बरसात घोड़ा उस को रहा जी, बड़ा मशहूर घोड़ा जी, अजे तक उसका ना चलता पे जी। ये जुला सियाल ने जी तुरी मुलाकात हुई, उस आम सादा जे इंसान है जी, एक देहाती टाइप, लेकिन पूरे पाकिस्तान के जिथे जिथे शौक है उन्होंने ना है जी। सफदर रहाई अपना इतों निहंगा का जी, उन्होंने घोड़ा शहजादा उसकी ब्रीड बच्चे उसके बदले अजे तक ना चलता पे जी। ये चक्की आले थी गया, अकरम चंद थी गया जी। अपने ना अगर कोई जिंदा रखना चाहता है, अपने घोड़े को जिंदा रखना चाहता है, कोई चाहता है कि मर वजन तो बाद भी उसका ना हो, तो घोड़ा ब्रीड करावना चाहिए, सेहत वास्ते भी बहुत जरूरी है जी। साल के 2-3-4-5 घोड़ियाँ तो घोड़े क्रॉस होना चाहिए। सर शौकीन वास्ते ये गुजारिश है कि सब तो पहले घोड़े के मिजाज में समझन जी, समझन की कोशिश करें, उसकी नफसियात में समझन जी। सवार को यह पता होना चाहिए, एक तो ये करना चाहिए जी कि एक घोड़ा है, जानवर है, 5 साल तो, 4 साल तो, 2 साल तो तुहारे नाल चलता पे जी, तो एक दिहाड़ आन के वो नहीं करींदा काम जी, तो चेक करना चाहिए भाई वजह की कल ताई जो करींदा रहे तो आज क्यों नहीं करींदा जी। उसको कोई फिजिकल उसका प्रॉब्लम है, कोई हाथ पैर दुखदा है, कोई उसको बुखार है, उसके एक घोड़ा एक ऐसा जानवर है भाई जान के ना करने वाला जानवर भी नहीं। घोड़ा तदा ना करींदा नहीं जब उसकी कोई मजबूरी होती है, कोई उसके हाथ पैर की तकलीफ होती है, कुछ का होर बुखार होंगे, कोई बाडी होर कोई प्रॉब्लम होंगे जी। तो ये देखना चाहिए अगर कोई घोड़ा तुरा गलती करींदा नहीं, सब तो पहले उसकी सेहत चेक करो जी, उसके हाथ पैर चेक करो, उसका टेंपरेचर चेक करो, जरूरी चीज़ा जीडिया स्वास्थ्य वो चेक करो कि इसमें कोई फिजिकल मसला तो नहीं। अगर वो नहीं तो वत देखना चाहिए कि घोड़ा क्यों पे करींद जी। घोड़े 80 बल्कि मैं तो अक्सर 95% घोड़े बुजदिली की वजह तो करींद जी, बुजदिल पा के करींद, उस काम तो घबराहट की वजह तो तंग पा के करींद जी। 5% घोड़े होंगे जेडे कोई ज़्यादा यानी बदमाशी या गुस्सा या उसकी वजह तो करें जी। तो चाहिए ये भाई घोड़ा मेरा जो ये कम करींदा पे है तो क्यों पे करींदा है, खौफ की वजह तू करींदा पे है, या कोई उन्नी उस गर्म खुराक दी गई है, ज़्यादा मस्ती या तलखी की वजह तू करता पे है। तो जेड़ा एक बुजदिल घोड़ा है, जेड़ा घोड़ा हरा हुआ कै कम तू जी, तू ये निशानी है कि जल्द उस तुसा करीब बैसो ना जी, वो लगाम देख सी, जीन देख सी, वो थान दुते घबराहट उस थीवन लग पे सी जी, जातियाँ पैसी कैं लीडे देख सी, कैं लीडे देख सी, थोड़ी थोड़ी लिड मरे सी जी, उस तो बाद लगाम औखा गिन सी, जीन रख सो परेशान रहा सी जी, खपदा रहा सी, जेल उसते चढ़ सो जी घोड़ा थोड़ा इतना टुर सी, थोड़ी जी लिड मरे सी जी, वत 5-7-10 कदम टुर के वत थोड़ी जी लिड मरे सी, जातियाँ पैसी, ये उसकी बुजदिली की अलामत है जी, घबराहट की अलामत है। कोशिश करो कि उसकी वो वजह मालूम करो कि वजह तू बुजदिली करीदा पे, को हाथ पैर की तकलीफ है, इसनू कम ज़्यादा दिता गया, उसकी घबराहट है, तो उसकी नफसियात का समझना बहुत जरूरी है जी। 80% घोड़े साढ़े न समझण की वजह तो जी खराब होंगे, कि घोड़े ने किसी एक दिन कोई मसला होया है, उस अगर डिसओबे किया तुरा हुक्म नहीं समझना, असा गुस्से तू तो अपनी अना तू जी असा उस सजा देना शुरू कर दें, मारना शुरू कर दें, वो अगे घाबरा खलोता होंगे होर घाबरदा जी, होर बुजदिली करींद,
इतों नुकसान होंगे जी। प्यार करना चाहिए घोड़े नाल, सख्ती नहीं करनी चाहिए। आखिर वह भी जानदार है जी, बेजुबान है, बोल के तो नहीं दस सकता। उस इया हुक्म अदूली करके ही तुम दसना है जी कि मैं कोई मसला है, मैं चेक करो जी। ये गुजारिश है दोस्तों वास्ते कि घोड़े समझना चाहिए, उसकी नफसियात को समझना चाहिए। एक एक सवाल दे चार चार जवाब, ते हर अंग एक वखरी वंड दे नाल। वाह क्या बात है। घोड़े जै नफीस ते मूँह जोर जानवर बारे इलम का एक समंदर है उस्ताद होरां दी जात। एक नहीं हजारा इंज दियां बैठकां भी काटने जे इस कीमती इलम नूं किधरे महफूज कर लिया जावे। एक ऑडियो बुक की सोच ते गलबात होइए पर जिंदगी शर्ते। फिलहाल वीडियो नूं इत्थे रोकदे आं। जे गल्लां बातां बहुत ही कीमती ने ते वक्त दे दामन विच गुंजाइश बहुत घट, वीडियो दे अगले हिस्से विच जनाब नूं दिखावांगे कि किस तरह घोड़ियां दे स्टबल नूं मेनटेन किया जाता है, इन्हां दी सांभ उत्थे किस तरह हुंदी है, ते सब तो अहम गल इस अकैडमी दे विच उस्ताद होरां नाल शराकतदार कौन कौन ने, मतलब उन्हां दे टीम मैंबर कौन कौन ने, ते ओ किस तरह सारा दिन घोड़ियां नूं सिखाउंदे ने। वीडियो दे अगले हिस्से तक सबीउल हसन खान ते टीम नूं दिओ इजाजत। रब राखा।